क्रिएटिव फैमिली कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं स्पेशल पैथोलॉजी जो मैंने आप सॉरी पैथोलॉजी नहीं स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी जो सॉरी स्पेशल माइक्रो बायोलॉजी ठीक है उसमें मैं पोलियो वायरस आपको कराने लगी हूँ। उसकी वजह रैंडमली मैंने एक ऑर्गेनिज्म क्यों पिक किया वो ये था कि मेरे पास जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा रैंडम है वो मैं इसे ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाया स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा कि वीडियो का जो है ना उसको डे बाय डे स्किप करने से बेहतर है कि मैं कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया करवा दूँ उसके बाद जब मैं सिलेबस सॉर्ट आउट कर लूँगी तो मैं सिक्वेंशली वीडियो बना दूँगी। वैसे पोलियो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट था दैट्स व्हाई आई जस्ट चोज। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ जो मैं आपको स्पेशल करवाने वाली हूँ माइक्रोबायोलॉजी उसके लिए मैं जो बुक्स यूज़ करूँगी एक हमारे पास होगी स्केची और दूसरी हमारे पास होगी लेविंसन। और मुझे पता है कि सबकी टेक्स्ट बुक जो है वो लेविंसन है लेकिन मैं स्केची फिर भी यूज़ कर रही हूँ वो इस वजह से क्योंकि स्केची में ना कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं कुछ कार्ड्स हैं जिसकी मदद से आपको चीज़ें याद रहने में आसानी होती है। लेविंसन में सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है इतने सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं सबका याद रखना सबका मिक्स हो जाता है या एमसीक्यू में इतना दिमाग आगे ख़राब हो रहा होता है और जब ये सारा को हम याद करने की कोशिश करें तो हमें नहीं याद आता। लेकिन अगर स्केची से हम थोड़ा बहुत कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो उससे ये होगा कि हमें कुछ थोड़ी बहुत पिक्चर उससे रिलेटेड याद आ जाएगी और फिर हम वो ईजिली जो है वो थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं स्केची जो है वो ऐड कर रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। और वैसे हम लोग स्केची से पहले करके तो लेविंसन से भी चीज़ें देखेंगे तो हम वहाँ से स्किप नहीं करेंगे लेकिन हम स्केची के कार्ड ज़रूर देखेंगे ताकि हम लोग के लिए आसानी हो। तो चलिए हम अपना पोलियो वायरस स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी लेंथी है तो ये हमारे पास स्केच की बुक है। तो सबसे पहले ये देखो उन्होंने साथ में एक वायरस की डिटेल दी आप चाहे तो ये बुक भी खरीद सकते हैं। तो पहले उन्होंने एक वायरस या किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिटेल साथ में दी होती है और साथ में उसका एक कार्ड दिया होता है ग्राफ दिया होता है। तो मैं अब इसको पिक्चर से आपको क्लियर करवाऊँगी कि कैसे आप याद करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास नेम है पोलियो वायरस ठीक है। तो इस पिक्चर को आप किस नेम से याद रखेंगे इसको आप याद रखेंगे फ्लेमिंगो ब्रीडिंग पूल। पूल जो है ना हमारे पास मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए फ्लेमिंगो ब्रीडिंग पूल। आई होप ये न्यू बुक है आपको ना थोड़ा देर लगेगी समझने में लेकिन आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बुक है ठीक है। तो फ्लेमिंगो ब्रीडिंग पूल मैंने इसको इस पिक्चर को क्यों नाम दिया है पूल से आपको याद रहेगा मैंने नहीं सॉरी स्केची वालों ने पूल से आपको याद रखेगा कि ये पोलियो वायरस की पिक्चर थी ठीक है। तो फ्लेमिंगो ब्रीडिंग पूल ये जो बर्ड ये जो है ना इसको हम फ्लेमिंगो कहते हैं। तो फ्लेमिंगो ब्रीडिंग पूल पोलियो वायरस की जो पिक्चर है उसका सिनेरियो जो है वो हमें कैसे याद आएगा फ्लेमिंगो ब्रीडिंग पूल पूल फॉर पोलियो ठीक है और उसमें फ्लेमिंगो आता है। अब हम अपना जो है वो इंट्रो स्टार्ट करते हैं कि उसमें हमारे पास है क्या। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वायरस किस टाइप का है ठीक है। तो उसकी निशानियाँ जो है वो हमने कैसे रखी हुई हैं किस चीज़ से रखी हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो उन्होंने पॉइंट दिया है ना वो है कि ये है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है और इसको उन्होंने पिक्चर से ऐसे डिपिक्ट किया है कि ये जो हमारे पास सन है ना ये इससे हमें पता चल जाएगा कि पॉजिटिव सेंस वायरस है ठीक है। पॉजिटिव क्योंकि जो सन होता है या जो डे टाइम होता है ना वो रिलेटेड टू पॉजिटिविटी पॉजिटिव वाइब्स देता है ठीक है। तो ये सन जो है वो आपको वो चीज़ डिपिक्ट करेगा ठीक है। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है कि ये एक नेकेड वायरस है नेकेड ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये एक स्टैचू है नेकेड तो इससे हमें ये याद रह जाएगा कि ये वायरस नेकेड है ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इस वायरस की जो एक और प्रॉपर्टी है एक तो हो गया हमारे पास ये पॉजिटिव सेंस है दूसरा हो गया ये नेकेड वायरस है तीसरा हमारे पास है एसिड स्टेबल यानी कि एसिड इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर ये स्टमक में जाए तो एसिड स्टेबल है ठीक है आराम से पास कर जाता है। तो एसिड स्टेबल की चीज़ को दिखाने के लिए इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि ये देखें ये येलो येलो जो पूल है ये एसिड शो कर रहे हैं ना ये लोग। तो ये जो फ्लेमिंगो है ये आराम से यहाँ पे एक रॉक के ऊपर स्टेबली खड़ा है और एसिड इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा तो इसका मतलब है हमारे पास जो पोलियो है ना वो एसिड स्टेबल है। तो हमें अभी तक क्या पढ़ा ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड ये सन से शो हो रहा है पॉजिटिव नेकेड वायरस और एसिड स्टेबल ठीक है।
तीसरी जो हमारे पास बात है ना इसकी ट्रांसमिशन के हवाले से कि ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, वो आपको वैसे ही याद करना होगा। इस पिक्चर में उसका कुछ भी डिपेक्ट नहीं किया हुआ, सो आई होप इतना आप क्लियर हो गया होगा बहुत ईजीली। ठीक है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं दैट कैन बी ईजीली टेस्टेड और आस्क्ड इन पेपर। सो अब हम इसकी रेप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर मेरे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि इनकी रेप्लिकेशन होती है लिम्फॉइड टिश्यूज़ में, लिम्फॉइड टिश्यूज़ में। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो वो हमारे पास इंटेस्टाइन में पीयर पैचेस होते हैं ना, पीयर पैचेस हमने हिस्टो में भी पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, वहाँ पे स्पेसिफिकली जो है वो रेप्लिकेट करते हैं और इनको लगता है हमारे पास ऑलमोस्ट 2 to 3 weeks। ये थ्योरी में लिखा है, अब हमें इसे याद कैसे रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बाउंड्री है ना ऐसे, इसमें हमारे पास ये जो छोटे छोटे प्रोसेस हैं ये विलाइज की तरह मिलते हैं। तो एक जो लेयर होती है सबसे पहले उस म्यूकोज़ा होती है वो, उसके बाद आता है सब म्यूकोज़ा। तो ये जो एग्स हैं ना, ये जो ऑरेंज ऑरेंज एग्स हैं, ये सब म्यूकोज़ा शो किया है, ये पीयर पैचेस शो किए गए हैं। और इनमें ये जो स्मॉल वाइट एग्स हैं ना, इनसे शो होता है कि यहाँ पे फट वो हो रही है, क्या नाम है, रेप्लिकेशन हो रही है, रेप्लिकेशन इन द पीयर पैचेस। पीयर पैचेस क्या है, लिम्फॉइड टिश्यूज़। ठीक है, उसके बाद 2 to 3 weeks लगते हैं, वो ये देखें बोर्ड पे लिखा हुआ है 2 to 3 weeks। पियर्स फ्लेमिंगो कॉशन पैचेस ऑफ एग्स ब्रीडिंग सीजन 2 to 3 weeks। तो आप इससे याद रखेंगे कि इनकी रेप्लिकेशन लिम्फॉइड टिश्यूज में होती है यानी पियर पैचेस में होती है। तो पियर पैचेस कहाँ पे होते हैं, सब म्यूकोज़ा में होते हैं। ठीक है, और 2 to 3 weeks ये हमें लेता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि रेप्लिकेशन कहाँ होती है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो इन्फेक्शन है ना, जब रेप्लिकेशन हो जाती है लिम्फॉइड टिश्यू में, तो वो लिम्फॉइड टिश्यू से ना फिर जाके ना स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारे पास एंटीरियर हॉर्न होता है ना, वहाँ पे स्प्रेड कर जाती है इन्फेक्शन। हमें जो नॉर्मल पोलियो के बारे में वैसे भी बहुत पता है क्योंकि नॉर्मल है ये ना, इसकी वैक्सीन वगैरह, तो इसमें पता ही है ना हमें पैरालिसिस वगैरह हो जाता है किसी चीज़ का। तो बेसिकली जो इन्फेक्शन लिम्फॉइड टिश्यूज होती है ना, एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक चली जाती है। और हमें अगर पता हो, न्यूरो थोड़ी बहुत अगर हमने पढ़ी हो, तो एंटीरियर हॉर्न में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स मसल्स वगैरह को इनर्वेट करते हैं। तो अगर मसल्स ख़राब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पैरालिसिस होगा ना। तो ये हमने याद रखना है कि लिम्फॉइड टिश्यू एंटीरियर हॉर्न में स्प्रेड कर जाता है। और ये कैसे याद रखना है, ये जो क्रो बैठा हुआ है ना, इसके ये जो ऑरेंज सा एक हॉर्न है वो एंटीरियर तरफ यानी आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं है ऐसे करके। तो ये एंटीरियर हॉर्न का हमें याद दिलाएगा कि इन्फेक्शन एंटीरियर हॉर्न तक फैलती है। ठीक है, तो ये आपने याद रख लिया। उसके बाद ऑब्वियसली जब एंटीरियर हॉर्न में, मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, तो फिर क्या होगा, माइल्जिया होगा यानी कि मसल्स की पैरालिसिस। उसके अलावा स्पेसिफिक मसल्स की पैरालिसिस जैसे कि रेस्पिरेटरी इनसफिशेंसी हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि डायफ्राम भी एक मसल है और वो भी पैरालाइज हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी इनसफिशेंसी हो जाएगी। और वो यहाँ पे दिखाई हुई ये जो बर्ड है, ये फ्लेमिंगो जो है, ये वाइट कलर की जो फ्लेम्स हैं मतलब इसके मुँह से निकल रही हैं यानी कि इसको डिफ़िकल्टी हो रही है, रेस्पिरेटरी इनसफिशेंसी हो रही है। तो इससे हम ये याद रख लेंगे। वैसे इसको याद रखने के लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंटीरियर हॉर्न से हमें साफ चल जाएगा कि मसल्स की प्रॉब्लम होगी हमें, लेकिन रेस्पिरेटरी इनसफिशेंसी आप इस धुएँ से याद रख। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इन्होंने यहाँ पे लिखा है एसिमेट्रिक पैरालिसिस विद नो सेंसरी लॉस। तो ऐसे पता सेंसरी लॉस नहीं होगा, क्योंकि एंटीरियर में हमारे पास जो है ना वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी नहीं होते। तो ये था इसका सारा कुछ कि हमारे पास कैसे इसकी वो होती है रेप्लिकेशन और कैसे ये कहाँ पर एंटीरियर हॉर्न की तरफ स्प्रेड करता है, और एंटीरियर हॉर्न के जो इन्फेक्ट होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। एक हमारे पास एसिमेट्रिक पैरालिसिस हो गया, दूसरा रेस्पिरेटरी इनसफिशेंसी हो गई, ठीक है, और तीसरा माइल्जिया हो गया। अब इन्होंने जो एक अलग से डिजीज़ साथ में बताई है वो है वायरल एसेप्टिक मेनिनजाइटिस भी हो सकता है पोलियो के पेशेंट को। ठीक है, और मेनिनजाइटिस को शो करने के लिए इन्होंने एक बच्चा है जिसको पर इन्होंने हेलमेट दिया हुआ है, क्योंकि मेनिनजाइटिस ब्रेन से रिलेटेड है ना, तो इन्होंने हेलमेट से हम जहाँ भी हेलमेट देखेंगे वहाँ पर मेनिनजाइटिस की बीमारी होगी। तो पोलियो इज़ रिलेटेड टू पैरालिसिस एंड ऑल्सो टू द मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो मेन हमने कर लिया है। दूसरा डायग्नोसिस का उन्होंने कहा कि ये सीरोलॉजिकल टेस्ट की वजह से होता है, ट्रीटमेंट इसका नहीं है, कोई भी वैक्सीन्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन वाला पॉइंट भी अपने याद रखना है। ठीक है, तो वैक्सीन वाला क्या पॉइंट है हमारे पास, वैक्सीन वाला यही है कि एक हमारे पास साल्क वैक्सीन होती है और एक हमारे पास सेबिन वैक्सीन होती है। ठीक है, तो जो साल्क होती है ना, उन दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। जो साल्क वैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें, ठीक है, और ये इंजेक्शन के थ्रू लगाई जाती है, जबकि सेबिन जो है वो उसमें लाइव
माइक्रोबिज्म होते हैं और ये हम ओरली भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास इंजेक्शन के थ्रू होती है, ऑब्वियसली वो GIT के थ्रू तो नहीं ना पास करती, तो जब GIT के थ्रू नहीं पास करती तो सिर्फ IgG एंटीबॉडीज़ बनाती है, जबकि 7 IgG भी बनाती है और IgA भी बनाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो है ना यहाँ पे ये जो दो वैक्सीन सिरिंजेस क्रॉस हुई हुई हैं, ये साल के लिए है, साल का। इससे शो हो रहा है कि वैक्सीन के अंदर किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जबकि ये जो 7 है ना ये लाइव हैं, क्योंकि लाइफ से पता चल रहा है लाइफ ऑर्गेनिजम्स हैं। और ए इसलिए लिखाया हुआ है कि IgG के अलावा ये IgA भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, ये जो 7 वैक्सीन है, ठीक है। तो उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, जो हमारे पास साल्क वैक्सीन है ना उसका ये है कि ऑब्वियसली ये IgA नहीं प्रोड्यूस करती, ठीक है, लेकिन जो 7 है वो IgA भी प्रोड्यूस करती है। लेकिन 7 जो है वो बेशक अच्छी है, लेकिन वो अभी US में नहीं यूज़ होती, वो इस वजह से क्योंकि फीसिस में ये सारे लाइव ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और फिर फीसिस से किसी को भी ये बीमारी लग सकती है, जबकि जो साल्क होती है उसमें तो डेड होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी, तो वहाँ से तो किसी को भी इन्फेक्शन ही लग सकती है, जबकि 7 जो है वो 7 वैक्सीन जिसको दी जाए उसके फेसिस में लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे और दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा सारा आज का जो है ना पोलियो वायरस स्केची से, ठीक है। अब मैं आपको इस माइक्रोग्राफ से ही रिवाइज कराऊंगी और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो लिविंसन से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें, सबसे पहला हमने जो देखना है वो ये है कि सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस है, सिंगल स्ट्रैंडेड, तो ये पॉजिटिव जो है सूरज से पता चलेगा हमें, फिर नेकेड है तो स्टैचू से पता चलेगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने देखना है कि ये एसिड स्टेबल है, तो स्पूल से पता चल गया है कि ये एसिड स्टेबल है, और ओरल फिकल रूट वैसे ही याद रख लेना है। फिर इसकी रेप्लिकेशन की बात आ गई, ये लिम्फॉइड टिश्यू में पियर पैचेस में होता है, 2 to 3 वीक्स लगते हैं। फिर यहाँ से ये एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में ये पैरालिसिस कराता है, मायल्जिया कराता है और मेनिनजाइटिस भी कराता है। फिर उसके बाद दो वैक्सीन की बात होगी, एक हमारे पास 7 और एक साल का, साल का जो है वो इनएक्टिवेटेड होती है, 7 अलाइव होती है, 7 जो है वो ए भी प्रोड्यूस करती है और जो साल का वो सिर्फ IgG प्रोड्यूस करती है, और जो 7 है वो सेफ नहीं है क्योंकि फीसिस से अगले बंदे को भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो इतना आई थिंक मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है वो पोलियो का लेविंसन से रिव्यू ज़रूर कराऊंगी, ताकि आपके दिल में कोई शक ना हो कि कुछ रह गया है। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, लव यू।